इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका रेविट आर्किटेक्चर के अंदर सेक्शन बॉक्स होता है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अब रेविट ओपन है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे राइट लेफ्ट साइड में एक्सटेंड्स में सेक्शन बॉक्स है। यहाँ पे हमारा सेक्शन बॉक्स है और इस सेक्शन बॉक्स को हम ऑपरेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन बॉक्स। एक सेक्शन बॉक्स है, एक सिलेक्शन बॉक्स है। ओके, सिलेक्शन बॉक्स जो है वो मॉडिफाई में मिलेगा यहाँ पे। अब सिलेक्शन बॉक्स क्या है मैं थोड़ा सा बताता हूँ। मान लो मेरे पास ये विंडो है, इस विंडो को मुझे आइसोलेट करना है, तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे जाऊंगा टेम्परेरी पे और आइसोलेट एलिमेंट करूंगा, तो मैं इस विंडो को आइसोलेट कर सकता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है कि मैं अगर इस विंडो को सेक्शन भी कट करना चाहूँ यहाँ पे 3D में, तो वो मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सिलेक्शन बॉक्स। तो इसको मैं अभी रिसेट करता हूं, अब इसको क्लिक करता हूं, सिलेक्शन बॉक्स पे जाता हूं, तो यहां पे लिखा हुआ है आइसोलेट सिलेक्टेड एलिमेंट्स इन द करंट व्यू इफ ए 3D आइसोमेट्रिक व्यू और द डिफॉल्ट 3D व्यू। किसी भी 3D व्यू पे जाके आप या 2D व्यू पे जाके भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सिलेक्शन बॉक्स पे क्लिक करोगे तो वो उस बॉक्स का एक सिलेक्शन दे देगा, एक उसके चारों तरफ एक सेक्शन बॉक्स भी बना देगा। अब ये आपके पास सेक्शन बॉक्स है, इस सेक्शन बॉक्स की हेल्प से आप विद द हेल्प ऑफ एरो अपने व्यू को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि मेरे को कितना व्यू चाहिए। टॉप से मेरे को सेक्शन कट करना है, टॉप से सेक्शन कट कर सकते हो, और जो आपकी इंटरनल डिटेल है ये डिटेल्स आप देख सकते हो, क्लियर है कि किस तरीके से वो विंडो को बनाया गया है। अगर मैं चाहूं कि ये सेक्शन बॉक्स मेरे को नहीं चाहिए, तो आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे सेक्शन बॉक्स को अनचेक करोगे तो वो हट जाएगा और आपके साथ साथ वो सिलेक्शन बॉक्स भी हट जाएगा। मान लो मैंने इसको क्लिक किया, सिलेक्शन बॉक्स पे क्लिक किया, ओनली सेक्शन बॉक्स मुझे नहीं चाहिए, तो विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे आप जाएं, एनोटेशन कैटेगरी पे आप जाएं, यहां से आप नीचे आएं, तो यहां पे आपको मिलेगा सेक्शन बॉक्स। सेक्शन बॉक्स को आप अनचेक करें, ओके करें, तो आपका सेक्शन बॉक्स यहां से हाइड हो जाएगा। अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से यहां पे देख सकते हैं। सिर्फ सेक्शन बॉक्स हाइड हुआ है, बट सेक्शन का जो आपका इफेक्ट है वो हाइड नहीं हुआ है। उसके लिए तो आपको इसे अनचेक करना पड़ेगा। अब दोबारा से आप यहाँ पे आ सकते हो। अब क्या है कि मान लो आपने क्या किया, लेवल वन पे गए और मैंने क्या किया, यहाँ पे इतने एरिया को सिलेक्ट कर लिया। अब सिर्फ इतने एरिया का ही मैं सिलेक्शन बॉक्स चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे सिलेक्शन बॉक्स पे क्लिक करें तो आप इतने ही एरिया को एज ए सिलेक्शन बॉक्स में यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा कहाँ पे काम आएगा, जब आप मान लो टॉयलेट्स की डिटेलिंग चाहते हो, ओनली टॉयलेट देखना चाहते हो, ओनली बेडरूम्स देखना चाहते हो, तो वहां पे आप इंडिविजुअली सेक्शन बॉक्स को यहाँ पे यूज कर सकते हो। सेक्शन बॉक्स अगर आपको चाहिए, दोबारा विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे जाए, एनोटेशन कैटेगरी में जाए और सेक्शन बॉक्स को आप चेक करें, ओके करें, आपके पास सेक्शन बॉक्स आएगा और इसकी हेल्प से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना मुझे व्यू चाहिए। उतने ही व्यू को आप एडजस्ट कर सकते हैं, इवन टॉप से भी एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना नीचे तक मेरे को व्यू चाहिए। इसमें आपको वॉल की डिटेलिंग भी आ जाएगी। अगर मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर इस टाइप की वॉल है तो उसकी भी डिटेलिंग आपको यहाँ पे नजर आएगी कि किस टाइप की आपके यहाँ पे वॉल है, क्लियर। उसके बाद अगर आपने अब यहाँ पे सेक्शन कट किया, यहाँ पे मान लो मैंने और थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, और इस व्यू में मैंने सिलेक्ट कर लिया मान लो ये फर्नीचर, और इस शिफ्ट प्रेस करके, इस कंट्रोल प्रेस करके बेड को और इसको, इस पे क्लिक करके भी अगर मैं अब सिलेक्शन बॉक्स पे क्लिक करता हूं तो इन तीनों से रिलेटेड पास पास के आइटम्स को वो दिखाएगा और इन तीनों को एक सेक्शन बॉक्स के अंदर दिखाएगा। अगर मैं ओनली इन दोनों को करता हूं, अब करता हूं सिलेक्शन बॉक्स, अब उसको हटा देगा, अब इसको दिखाएगा, मतलब जूम करके उसको, इसके आसपास के व्यूज को वो दिखाएगा। स्टेयर्स की आप डिटेलिंग देख सकते हो सेक्शन बॉक्स की हेल्प से कि कैसे कैसे मेरी स्टेयर यहाँ पे लगी हुई है, कैसे स्टोन लगा हुआ है, ये डिटेलिंग भी आप इजिली यहाँ से देख सकते हो। अगर मेरे पास कोई और प्लान है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी के लिए ये वाला प्लान मैं लेता हूँ जो मैंने रिसेंटली बनाया था, ठीक है, ये वाले प्लान को मैं यहाँ पे लेता हूँ। अब इस पे भी मैं सिलेक्शन बॉक्स यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने इसको अभी डिलीट किया क्योंकि काफी बड़ा पार्ट है। अब मैं इसको शेड्यूल कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ। मान लो मैं सबको सिलेक्ट किया और अब सबको सिलेक्ट करके आप कर सकते हो सिलेक्शन बॉक्स, वो सब पे सिलेक्शन बॉक्स आएगा। अब आप यहाँ पे जितना व्यू आपको चाहिए उतना आप रख सकते हो कुछ इस तरीके से, और इसको आप नीचे करके इसका टॉप से भी सेक्शन कट कर सकते हो और देख सकते हो कहाँ पे क्या चीजें हैं, किस तरीके से यहाँ पे एडजस्टमेंट की गई है।
पीछे से भी आप सेक्शन बॉक्स को आगे लेके आ सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आगे से भी आप कहाँ से आप देखना चाहते हो उतने व्यू को आप इजिली यहाँ से देख सकते हो कि कहाँ से मेरे को व्यू को देखना है। इवन आप अपने सिलेक्शन बॉक्स है जो आपका, इसे रोटेट भी कर सकते हैं सेक्शन बॉक्स को। सेक्शन बॉक्स को सिलेक्ट करें, रोटेशन दे, और अब आप मान लो यहाँ से ऐसे रोटेट करते हो तो सिलेक्शन बॉक्स भी आपको रोटेट हो जाएगा और वो कटिंग में ही आपके ऑब्जेक्ट को दिखाएगा। अगर आपको इस टाइप की डिटेलिंग चाहिए तो भी आप इस टाइप की डिटेलिंग ले सकते हो कि किस तरीके से मेरे को सिलेक्शन बॉक्स को कट करना है। छोटा बड़ा तो आप यहाँ से कर ही सकते हो, क्लियर है? तो ऐसे करके आप सिलेक्शन बॉक्स को यहाँ से और सेक्शन बॉक्स को दोनों को साथ में यूज कर सकते हो। अगर और कोई प्लान है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल ये वाला कोई भी प्लान मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला प्लान है, ये 3D है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप सिलेक्ट करते हो उसका ही सिलेक्शन बॉक्स आ जाएगा। मान लो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया सिलेक्शन बॉक्स, तो इस ऑब्जेक्ट की डिटेलिंग आ जाएगी यहाँ पे कैसे चाहिए। इस पर क्लिक करके नीचे करोगे तो वो आपको दिखाएगा कितने कितने सेक्शन है इसका, वो हर एक चीज आपको यहाँ पे शो करेगा। तो इस केस में आप अपने सिलेक्शन सेक्शन बॉक्स को यूज कर सकते हो कटिंग करने के लिए। 3D सेक्शन को आप कट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेक्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पे जाएं और इससे रिलेटेड आप और भी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे रेविट से रिलेटेड या किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, वीडियोस आप यहाँ पे देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको चैनल अच्छा लगा है तो, और अगर आप मोटिवेशन देना चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक जरूर करें वीडियो को। और हाँ, जब आप किसी भी चीज़ को सब्सक्राइब करते हो आप किसी भी चैनल को, तो उस पर बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी न्यू वीडियोस का। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।